हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कृष्णचंद शर्मा। डॉक्टर कृष्णचंद शर्मा को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, अब हमने क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 37 वर्ष तक लोक साहित्य का गहन अध्ययन किसने किया? तो 37 वर्ष तक लोक साहित्य का जो गहन अध्ययन किया था वो तो था कृष्णचंद शर्मा जी ने। दूसरा है, लोक जीवन के स्वर ये किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है वो गीत संकलन है, इसमें इन्होंने गीतों का संकलन किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्णचंद शर्मा ने अपने जीवन का अधिकांश लोक साहित्य को समर्पित किया है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कौन से लोक साहित्य के प्रति उन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित किया है। तो वो जो जगह है वो है कुरु प्रदेश। दूसरा है, लोक जीवन के स्वर में संकलित है, फिर से वही क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग करके, मतलब थोड़ा सा उसका रूप चेंज करके आया है। तो इसमें जो लोक जीवन के स्वर हैं, इस ग्रंथ में इन्होंने गीतों का संकलन किया है, ये एक गीत से संबंधित रचना है। नेक्स्ट है, लोक जीवन के स्वर में गीतों को एकत्र किसने किया? तो वो हैं कृष्णचंद शर्मा। कृष्णचंद शर्मा ने किया, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, इनके कार्यों के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं कि लोक जीवन के स्वर का इन्होंने संकलन किया, दूसरा है लोक जीवन के स्वर में एकत्रीकरण किया, और तीसरा है लोक जीवन के स्वर में संग्रह एवं प्रकाशित करने का इन्होंने परिश्रम किया। तो सभी यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, लोक जीवन के स्वर क्या है? तो लोक जीवन के स्वर जो इनका ग्रंथ है उसमें विषय वस्तु पूछ रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर है कि इसमें भी सारी ऑप्शन सही है। पहला है कुरु प्रदेश से संबंधित संस्कृति, दूसरा है जन समाज की भावनाएं, और तीसरा है घर घर में गाए जाने वाले गीत। तो इस प्रकार लोक जीवन के स्वर नामक जो रचना है कृष्णचंद शर्मा जी की, उसमें ये सभी जो इन्होंने यहाँ पर इसमें वर्णित किए हैं। नेक्स्ट है, लोक जीवन के स्वर में प्राप्य है, प्राप्य पूछ रहा है यानी कि इसमें क्या क्या है, मुख्य रूप से इसके विषय ही पूछ रहा है कि किस तरीके के गीत इसमें हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं, यानी कि इसके अंतर्गत टेले के गीत हैं, ऋतु गीत हैं, धार्मिक गीत हैं, देवी देवताओं संबंधित गीत हैं, और हास प्रयास एवं नृत्य गीत भी इसके अंतर्गत संकलित हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्णचंद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ है वो है बुलंदशहर में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, कृष्णचंद शर्मा ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया, तो इन्होंने इनका एक तरीके से उस जगह का नाम पूछ रहा है जहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर अपना समय जो है व्यतीत किया, अपना जीवन जो है इन्होंने व्यतीत किया, तो वो है मेरठ। कृष्णचंद शर्मा ने अधिकांश साहित्य समर्पित किया, तो उन्होंने समर्पित किया कुरु प्रदेश को। नेक्स्ट है, कुरु प्रदेश है, तो कुरु प्रदेश जो है कहाँ, किस जगह को माना जाता है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये है उत्तर प्रदेश और मेरठ के आसपास का क्षेत्र जो है वो कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कुरु प्रदेश का संबंध क्या है, किससे है? तो कुरु प्रदेश का संबंध जो है वो कौरवों और पांडवों से, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कौरवी लोक साहित्य का सूक्ष्म अथवा स्थूल संबंध किससे है? तो उसका जो संबंध है वो महाभारत से है। नेक्स्ट है, कृष्णचंद शर्मा द्वारा कृत गामेल भास लिखा गया, मतलब वो कौन सी विधा में लिखा गया है? तो वो दोहे यानी कि छंद पूछ रहा है कि किस छंद में लिखा गया है, तो वो दोहे छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट है, गामेल भास में दोहे कितने हैं? तो यहाँ पर जो दोहों की संख्या है वो है 450, इनकी गामेल भास जो इनकी रचना है उसमें दोहों की संख्या 450 है। नेक्स्ट है, कौरवी साहित्य अधिकांश रूप में मिलता है, तो ये जो मिलता है ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, ए जी आया है सावन मास है डोले गढ़ाए महाराज, ये पंक्ति किस गीत में है? तो ये जो पंक्ति है ये सावन गीत में है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्ति में हिंडोले शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो ऊपर लाइन दी गई थी इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हिंडोले शब्द का अर्थ है झूला। नेक्स्ट है, लोक जीवन के स्वर में गीतों का संकलन है,
ये गीत गाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से पूछ रहा है किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो ये स्त्रियों और बालिकाओं द्वारा गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। लोकगीतों की विशेषता है, तो यहाँ पर जो विशेषता है वो ये सारी विशेषताएँ जो इन ऑप्शंस में दी गई हैं, जैसे कि रीति रिवाज का ज्ञान, प्रथाओं का ज्ञान, रहन सहन का ज्ञान और भाषा शब्दावली का ज्ञान, तो ये सारे ही जो हैं वो लोकगीतों की विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट है टेहले के गीत में टेहले का अर्थ हो सकता है, यानी कि टेहले का क्या अर्थ हो सकता है इन ऑप्शन के अनुसार, तो इनका अर्थ हो सकता है मंगलोत्सव गान, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौरवी भाषा बोली है, ये खड़ी बोली है। नेक्स्ट है लोक जीवन की स्वर नामक जो पुस्तक है, इसमें लगभग पृष्ठों की संख्या पूछी जा रही है, कितने प्रसंग हैं इसमें, तो इसमें लगभग 200 पृष्ठ हैं। नेक्स्ट है लोक जीवन की स्वर कुरु लोक संस्थान द्वारा प्रथम बार किस सन में प्रकाशित की गई, तो ये 1977 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है कौरवी क्षेत्र की संस्कृति से संबंधित खोड़िया का पूछ रहा है कि क्या होता है, तो खोड़िया जो है यहाँ पर इन सब चीज़ जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही है इसमें, यानी कि खोड़िया एक उत्सव है जो लड़के की बारात ले जाने के बाद मनाया जाता है और इसे घर की औरतें मनाती हैं। नेक्स्ट है कौरवी किस स्थान की बोली है, तो कौरवी जो है वो कुरु प्रदेश की बोली है। नेक्स्ट है कुरु प्रदेश वर्तमान में कहाँ है, तो कुरु प्रदेश वर्तमान में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिला, ये सभी जो है कुरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौरवी के आविष्कारकर्ता कौन है, तो कौरवी के जो आविष्कारकर्ता हैं वो है राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट है लोक जीवन के स्वर किस विधा की रचना है, तो ये जो है ये काव्य गीत है। लोक जीवन के स्वर मुख्य रूप से किसके लिए संग्रहित एवं प्रकाशित किया गया है, तो इसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये साहित्यिक विद्यार्थी और गृहस्थ हिंदू नारी दोनों के लिए ही ये मुख्य रूप से संग्रहित और प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है मंगलोत्सव गान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेले के गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के गीत किस कृति में संकलित हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है लोक जीवन के स्वर। अब यहाँ पर इन्होंने एक कोटेशन दी है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, तो कोटेशन देख लेते हैं पहले कि प्रीतम चलूँ तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार, खद्दर के सब वस्त्र बनाऊँ सारी पब्लिक को पहनाऊँ, मैं भी करूँ सूट तैयार, तो ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये हमें पता ही है डॉक्टर कृष्ण शर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्ति में कौन किससे बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है नायिका नायक से बात कर रही है। नेक्स्ट है तलवार पकड़ने से तात्पर्य क्या है, तलवार पकड़ने से यहाँ पर तात्पर्य है आपका हथियार उठाना और दुश्मनों का सामना करना, यानी कि बी और सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जंग का अर्थ है, जंग का अर्थ यहाँ पर युद्ध है। नेक्स्ट है खद्दर के वस्त्र बनाना और पहनना हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं, गांधीवाद, गांधी जी की विचारधाराओं का पालन करना और स्वयं पराश्रित रहना, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गीत संख्या दो में क्या द्रष्टव्य है, तो यहाँ पर भारतीय नारी की निडरता, भारतीय स्त्री की उसकी सहभागिता, भारतीय नारी की देश के प्रति सक्रियता, ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है नारी की निडरता परिलक्षित है, किस तरीके से परिलक्षित है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन गीत में जो है वो सही हो जाएगा कि इस जो गीत है इसमें नारी की निडरता जो है वो परिलक्षित होती है। यहाँ पर भी एक कोटेशन दी गई है और से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहले कोटेशन देख लेते हैं। पोता गुड़ की डली मांगता दुरही ते ललकारे, शायद तेरा फूफा लागे पूरी भीली बाटे, तो उसे क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले कि उपयुक्त पंक्तियों में क्या स्पष्ट किया गया है, तो यहाँ पर अंधानुकरण स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोता किससे डली मांगता है, तो यहाँ पर पोता जो है दादी से डली मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डली क्या है, यहाँ पर जो कोटेशन में डली या शब्द आया है उसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो डली जो है वो गुड़ का छोटा हिस्सा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है दादी गुड़ मांगने पर पोते को क्या कहती है, तो दादी जो है गुड़ मांगने पर पोते को
ललकारती है। नेक्स्ट है सैयद कौन है, तो यहाँ पर सैयद का अर्थ है धर्म में पूजे जाने वाले एक विशेष भगवान, तो इसे सैयद कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।